गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप वेरीफाइड अकाउंट कैसे ले सकते हो, क्या प्रोसेस है वेरीफाइड अकाउंट की और आप एक मिनट में वेरीफाइड अकाउंट कैसे ले सकते हो। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना है आपको, तभी समझ में आएगा कि आप वेरीफाइड अकाउंट है जो सिर्फ एक मिनट में ले सकते हो। सो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अब क्या करना होता है ऐसा वेरीफिकेशन लेने के लिए, सबसे पहले आपको पता है स्नैपचैट की कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि उसको फॉलो करना होता है, इसीलिए आपको ये जो है स्नैपचैट का वेरिफिकेशन पेज है जो मिल जाता है। सो गाइज, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने स्नैपचैट के प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको सेटिंग के आइकन पे क्लिक करना है। सेटिंग के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो अभी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे दिखेगा आई नीड हेल्प। आई नीड हेल्प पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आई नीड हेल्प पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अभी आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट यूज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट यूज पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन आ रहा होगा माई स्नैपचैट इज नॉट वर्किंग, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, नीचे आ जाओगे आप, यहाँ पे अदर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अदर पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे एक पेज ओपन होगा, फॉर्म होगा छोटा सा, वो फिलअप करना है आपको। प्रोसेस है कैसे फिलअप करना है, हर किसी ने बताया तो होगा लेकिन अलग अलग तरीके से बताना है आपको। मैं बताऊंगा कि कैसे आप फिलअप कर सकते हो फॉर्म को एकदम सही तरीके से। सो गाइज, अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, यस किया। यस करने के बाद आपको माई इशू इज नॉट लिस्टेड, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एक फॉर्म खुल के ओपन हो जाएगा। सो गाइज, उस फॉर्म को भरेंगे हम। सो गाइज, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम आ जाना है, जिस अकाउंट को आप वेरीफाइड करना चाहते हो उस अकाउंट का नाम आएगा। ठीक है, आपको भी पता है कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटी और पॉपुलर आर्टिस्ट जैसे लोगों को भी यहाँ पे मतलब वेरीफाइड किया जाता है, लेकिन आप भी वेरीफाइड हो सकते हो, कॉमन पर्सन नॉर्मल पर्सन भी वेरीफाइड हो सकता है। सो गाइज, उसके लिए प्रोसेस है, टर्म एंड कंडीशन है स्नैपचैट की, उसको फॉलो करना होता है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊँगा कैसे भरना है इस फॉर्म को। सो गाइज, सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा स्नैपचैट वाला। ठीक है, नाम आने के बाद आपको ईमेल एंटर कर लेना है। ईमेल एंटर करने के बाद यहाँ पे XYZ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो कि वहाँ से जुड़ा होगा, मतलब यहाँ पे स्नैपचैट के साथ जुड़ा हो या उसके अलग भी हो सकता है। यदि आपने ईमेल से स्नैपचैट अकाउंट बनाया है तो अलग से आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यदि आपने अपने नंबर से स्नैपचैट अकाउंट बनाया तो वो नंबर आएगा यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल आएगा, मोबाइल का नाम आएगा और उसका मॉडल आएगा। ठीक है, जैसे रेडमी नोट यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रेडमी नोट 8 लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आने के बाद डिवाइस का नाम हो जाएगा। व्हेन डिड यू स्टार्टिंग हैवी इशू, यहाँ पे ये बता रहा है कि इशू कब से आ रहा है। ठीक है, येस्टरडे लिख सकते हो या टूडे भी लिख सकते हो, आपकी आज से इशू आ रहा है या कल भी आ रहा है या मतलब 7 डेज से आ रहा है, यहाँ पे 7 डेज भी लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट लिखनी होती है, डेट लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे येस्टरडे ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे चूज फाइल, चूज फाइल में यहाँ पे अटैचमेंट आएगा। अटैचमेंट जैसे गवर्नमेंट आधार कार्ड हो गया, आपका गवर्नमेंट आईडी आएगी, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे अलाउड किया जाता है। ठीक है, जो आपका एड्रेस वेरीफाई करेगा, ये एड्रेस के वेरीफाई होने के बाद ही आपका अकाउंट है जो वेरीफाइड होगा। यहाँ पे अपना जो है फ्रंट पेज का जो भी आधार कार्ड है उसका फोटो अपलोड करना है या पैन कार्ड का फोटो एक अपलोड करना है, एक गवर्नमेंट आईडी अपलोड करनी है। यहाँ पे ध्यान रखना है व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड वी नाउ, यहाँ पे क्या आप पूछ रहे हैं कि आप अकाउंट वेरीफाई मतलब क्यों कराने जाते हो, मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रेस करके रखता हूँ। प्रेस करने पर यहाँ पे मैं दबा के रखूँगा, जैसे ही मैं दबा के रखूँगा, मैंने कॉपी करके रखा हुआ है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा रुको, तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना है वो पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ था, आप भी ये लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पीपुल इन माई नेम मेक वेरी फेक अकाउंट, मतलब लोग हैं जो मेरे अकाउंट के काफ़ी सारे नाम के अकाउंट के फेक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, मतलब मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट बना रहे हैं लोग, तो इसके लिए मैं दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू वेरीफाई अकाउंट, तो इसके लिए मैं अपना अकाउंट है जो वेरीफाइड करवाना चाहता हूँ। इसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ये आपको
ये आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, यदि किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ से कॉपी करके लिख सकता है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, ये कैप्चा फिलअप कर देना है यदि करना चाहो तो। लेकिन यदि कैप्चा रिक्वायर्ड नहीं होता है तो यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, सेंड के बटन पे दबा देना है। ठीक है, सेंड के बटन में दबाने के बाद यहाँ पे कैप्चा आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है चिमनी होल ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के बाद ये जो फॉर्म है जो भेजा जाएगा कंपनी स्नैपचैट की तरफ से, और 24 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार आप अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर लोगे। यदि स्नैपचैट को लगा कि आप मतलब पॉपुलर हैं, या आपका नाम कहीं गूगल पे सर्च होता है, कहीं भी सर्च होता है, कहीं भी मतलब आपकी अच्छी फैसिलिटी है सोशल मीडिया पे, तो आपका अकाउंट स्नैपचैट द्वारा वेरीफाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।